अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 116। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 5 जो है वो पढ़ लिया है। अब उसके हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 5.1। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है टू स्फीयर्स के दरमियान में। एंड ईच ऑफ मैस, हर एक का मैस हमारे पास कितना है, 1000 किलोग्राम। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। और आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास 0.5 मीटर दिया हुआ है। आपको पता है ग्रेविटेशन जो फील्ड होती है उसकी वैल्यू जो होती है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है 6.673×10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर। मैसेज दिए हैं हमारे पास, हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है बिटवीन टू स्पीयर्स में। फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू। आपको पता है हमने लिया होता है जी एम व एम एम ई। यहाँ पे अर्थ की बात नहीं हो रही, हम टू स्फीयर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने टू मैसेज लिए हैं एम वन एम वन एम वन एम टू ओवर आर का स्क्वायर। अब आर जो है वो क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द स्फीयर, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, डी में। तो हमारे पास डी हमारे पास क्या है, 0.5 मीटर है। हम इसमें पुट करेंगे, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगी 2.66×10⁻⁴ न्यूटन। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.2 है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर। उसमें हमारे पास क्या गिवन है, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। अब टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर है, उनकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है, ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करनी है। कैप्ड इज 1 मीटर अपार्ट। उसने कहा कि सॉरी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन आइडेंटिकल स्फीयर इज एट 1 मीटर अपार्ट। आपको 1 मीटर अपार्ट यानी कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर और फोर्स दी हुई है 0.00667³ न्यूटन। आपको जो है वो क्या दी हुई है, फोर्स दी हुई है। आपने क्या करना है, मैसेज कैलकुलेट करने हैं। जब हम आइडेंटिकल स्फीयर्स की बात कर रहे हैं कि दोनों का मैस क्या होगा, सेम होगा, तो एम वन इक्वल हो जाएगा एम टू के और एम टू इक्वल हो जाएगा एम के, तो दोनों का मैस क्या होगा, सेम होगा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मैस कैलकुलेट करना है। सिंपल वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने 5.1 में जो हमने यूज़ किया था, एफ इज इक्वल्स टू जी। अब यहाँ पे देखिए एम वन इज इक्वल्स टू एम टू हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो हमारे पास एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल हमें मैस कैलकुलेट करना है, तो एम को सेपरेट आउट करेंगे, तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी ओवर जी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी। एफ की वैल्यू 0.00673×10⁻¹⁰ मीटर, ठीक है, 1 मीटर का स्केयर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का स्केयर है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 6.673×10⁻¹⁰ मीटर का स्केयर पर किलोग्राम का स्केयर। सिंपल हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा, हम इसको अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 10,000 किलोग्राम। तो ये हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स। होप स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।